हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और भाई, आप लोग में से किसी एक ने पूछा था कि भाई आप माइक को थोड़ा दूर रखकर बोला करो क्योंकि एयर की साउंड आती है। भाई, अगर मैं माइक को दूर रख कर बोलता हूँ तो ये मेरी वॉइस को छोड़कर बाकी दुनिया भर की वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है। आप लोगों को मैं अभी सुनाता हूँ। तो गाइज़, आप लोग ने जान लिया रहेगा कि मैं अपने माइक को अपने पास इतना ज़्यादा क्यों रखता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बैकग्राउंड में से बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आता है। तो मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ कि आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ही कम से कम नॉइज़ आए, और मैं कितना भी कम कर लूँ लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो गाइज़, आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि मेरे बैकग्राउंड में से इतना ज़्यादा नॉइज़ क्यों आता है कभी कभार। तो भाई लोग, यही बस एक कारण है। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते और शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते हम देखते कोमी को, जो कि 14 फरवरी के बारे में सोच रही थी। और वो इतना ज़्यादा सोच ले रही थी कि वो डिसाइड करती कि वो स्कूल नहीं जाएगी। तभी उसकी मॉम आती है उसे चेक करने के लिए, और वो देखती है कि कोमी तो अपने बिस्तर में पड़ी हुई है। तभी उसकी मॉम एक प्यारी सी इविल सी स्माइल देती है और उसका चादर खींचने लग जाती है, लेकिन कोमी अपना चादर नहीं छोड़ती। और तभी उसकी मॉम उसे कुछ तो बोलती है, जिसे कि सुनकर कोमी डायरेक्ट टेलीपोर्ट होती है स्कूल में, जहाँ पर उसे सबसे पहले मिलती है ओन माइंड। और ओन माइंड को देखकर कोमी उसे लिखकर कुछ तो बताती है, और जिसे कि पढ़कर ओन माइंड का थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है एक्चुअल में। और फिर क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए इन दोनों को मिलते हैं नाका नाका और नाजमी, जहां पर वो दोनों कोमी के चॉकलेट की तारीफ़ करते हैं। तभी वहां पे आगरी आती है और वो भी कोमी की चॉकलेट की तारीफ़ करने लग जाती है। और वो इतना ज़्यादा तारीफ़ करने लगती कि ये सारे सोचने लग जाते कि कोमी ने इसने मिलाया क्या था। और क्लासरूम में एंटर होते ही कोमी सबसे पहले देखती है तादनु को, और वो उसे एकदम स्ट्रेंज लुक देते जा रही थी। और तादनु ये देखने के बाद सोचता है कि अभी इसे क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद तादनु उसे बोल देता है कि उसने जो चॉकलेट बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये चीज़ सुनने के बाद कोमी वहाँ से भागती है, और वो इतना ज़्यादा दूर भाग जाती है कि वो डायरेक्ट पहुँच जाती है अगले क्लास में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यमाई अपने फ़ोन से फ़ोटो ले रही रहती है। और वो तभी नोटिस करती है कि कोमी ने जो सॉक्स पहना है उसमें छेद है, और वो उसी चीज़ का फ़ोटो ले रही थी। और ये चीज़ पता लगने के बाद यमाई को पता नहीं क्या होता है, और वो बड़े क्रीपी तरीके से कोमी के पैरों के पास आती है। और ये चीज़ देखकर तादनु थोड़ा सोचता है कि इसे क्या हो गया। और यमाई अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कि वो कोमी के पैरों को ना छुए, और तादनु भी ये चीज़ सोचा था कि ये कोमी के पैरों को ना छुए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यमाई बड़े नॉर्मल तरीके से आगे बताती है कोमी को। और कोमी को पता लगने के बाद कोमी को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तभी यमाई अपने बैग में से कोमी के पैरों के साइज़ का सॉक्स निकालती है, और ये चीज़ देखकर कोमी थोड़ा सोचती है कि इसे ये कहाँ से मिल गया। और यमाई उसे ज़बरदस्ती लेके जाती है चेंज कराने के लिए, जहाँ पर वॉशरूम में कोमी से सबसे पहले थैंक्स बोलती है और चेंज करने के लिए सॉक्स मांगती है। और जब कोमी चेंज कर रही है तभी हम देखते हैं यहाँ पर यमाई का एकदम गैंगस्टर लुक, जिसमें कि यमाई ने अपने सर पर सॉक्स पहन लिया रहता है, और वो वहाँ से भागने लग जाती है। और कोमी ये चीज़ देखकर उसके पीछे पीछे भागने लगती है कि वो इस तरीके से पूरे स्कूल में ना भागे। और तादनु कॉरिडोर में खड़ा रहता है, और वो यमाई को देखकर थोड़ा टेंशन में आता है कि ये कौन है। और तभी वो दोनों तादनु के सामने से पास होते हैं, और तादनु नोटिस करता है कि कोमी ने अपने पैरों पे सॉक्स नहीं पहना, और वो कोमी के पैरों को देखने लग जाता है कुछ ज़्यादा ही देर तक। और यहाँ पर यमाई कोमी के हाथ में नहीं आती, यानी कि वो इसी तरीके से पूरे स्कूल में भागती रही है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक न्यू कैरेक्टर पे, जो कि है ओल्ड कैरेक्टर, लेकिन हमें इसके बारे में अभी बताया जा रहा है, तो हम इसे एक न्यू कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका कि नाम रहता है आकाको। और इस कैरेक्टर की खास बात यह है कि ये थोड़ी काम टाइप में रहती है, लेकिन इसे जब गुस्सा आ जाता तो भाई बहुत ही ख़तरनाक। जहाँ पर सबसे पहले तादनु से मिलता है, और आकाको उसे गुड मॉर्निंग विश करके जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर इसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो जाता है। और वो जैसे ही तादनु को गुड मॉर्निंग विश करके आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पे सिग्नल लग जाता है, जिसे कि देखकर इसे गुस्सा आता है। और सिग्नल खुलने के बाद ये एक अंकल के साथ फंस जाती है, और वहाँ से निकलने के बाद वापस से आगे चल के एक सिग्नल लग जाता है, और ये सिग्नल पे खड़ी होकर अपनी ईयरफोन को खोल रहती है, जिसे कि देखकर इसे थोड़ा और भी गुस्सा आ रहा रहता है। लेकिन ईयरफोन तो नहीं खुलता, तभी सिग्नल खुलता है, और सिग्नल खुलते ही इसके शू का लेस खुल जाता है, और शू का लेस मारने के बाद वापस से शू का लेस खुल जाता है, और वापस से बांधने के बाद वापस से खुल जाता है। और इसी चक्कर में इसे गुस्सा आ जाता है, और ये रास्ते पे चिल्लाती है जोर से, और ये जैसे तैसे करके स्कूल पहुंचती है एकदम गुस्से में लाल होकर।
और तादरू भी उसके पीछे से आ रहा था और सोचता है कि ये किसी के साथ भी ना भिड़े। और वो देखता है यामाई को जो कि इसकी फ्रेंड रहती है, और तादरू सोचता है कि यामाई इसका गुस्सा शांत करा देगी, लेकिन यामाई इसे देखकर इस तरीके से इग्नोर करती है कि जैसे ये इसे जानती ही ना हो। तो तादरू उसे आके पूछता है कि उसने इसको इग्नोर क्यों कर दिया। और यहाँ पे यामाई तादरू को बताती कि हम दोनों शायद से बचपन से दोस्त थे, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला कि जब वो गुस्से में रहती तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है उसे डील करने का, उसके उसके हालत पे छोड़ दो। जब वो खाएगी, खेलेगी या फिर सोएगी तो उसका मूड अपने आप शांत हो जाएगा। और वो तादरू को वॉर्न करते हुए जाती है कि तादरू तुम थोड़ा सावधान रहना, वो थोड़ी खतरनाक है। और तादरू ये चीज़ सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि यामाई ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाई यहाँ पे आका को स्कूल आने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स का उसका पीछा नहीं छोड़ती, जैसे कि वो क्लास टेस्ट दे रही रहती है और गलत आंसर लिखने के बाद जब वो मिटा रही रहती है तभी उसका क्लास का टेस्ट का पेपर फट जाता है, जिसे कि देखकर उसे और गुस्सा आता है। और क्लास टेस्ट ख़त्म होने के बाद ये अपनी ईयरफोन को वापस से खोलने लगती है, लेकिन इससे ईयरफोन खुलता नहीं है तो ये अपने ऊपर वाले पॉकेट में रख लेती है। और लंच टाइम पर जब ये सारे लोग मिलकर खाना खा रहे थे तो आँखों को जूस पीते हुए उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी एक जूस का बूंद उसके शर्ट पे गिर जाता है, जिसे कि देखकर उसे और गुस्सा आता है और ये दोनों वहाँ से चुपचाप कट लेते हैं। और आँखों को एकदम गुस्से में लाल होकर अपने शर्ट को वॉश करने के लिए जा रही होती है, और वो जैसे ही झुकती है तभी उसके जेब में से ईयरफोन गिरने वाला रहता है। तभी कोमी आके उस ईयरफोन को पकड़ लेती है, और कोमी उस ईयरफोन की हालत को देखकर एकदम सोचने लग जाती है और उसे ईयरफोन को ठीक करके वापस से उसे दे देती है। और ये चीज़ देखकर आको को रोने लग जाती है, तो कोमी सोचती है कि इसे क्या हो गया। तो आको को उसे बताती है कि कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा, और खाली कोमी आके उसके साथ अच्छा बिहेवियर करी। और वो रोते रोते कोमी को इनवाइट करती है बेसबॉल खेलने के लिए, तो कोमी मान जाती है और ये सारे लोग मिलकर बेसबॉल के ग्राउंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर। और ग्राउंड पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक एक करके अपनी अपनी डाई खेल रहे थे, और यहाँ पर कोमी और तादरू से अच्छे से शॉट लगता है, लेकिन आका को आके एकदम परफेक्टली शॉट मारती है और वो एकदम खुश हो जाती है। और ये चीज़ देखकर कोमी भी खुश होती है, और फिर यहाँ पे सारे लोग मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। और फिर यहाँ से सीन शूट होता है एक और न्यू कैरेक्टर पे, जिसका कि नाम होता है साटो। और इस कैरेक्टर की खास बात ये है कि ये लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये सुबह सुबह आके सारे बेंचेस को साफ कर देती है सारे लोगों को बैठने के लिए, और वो इस तरीके से काम करती है कि किसी को पता ना चले। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सारे लोग इसी से मदद मांगते हैं, और साटो यहाँ पे बिना सोचे समझे उन सब की मदद भी कर देती है। और हम देखते हैं यहाँ पे साटो अपने दो फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है, जिनका की नाम रहता है ईको और होशिरो। और भाई मैंने इन दोनों में से किसी का भी नाम गलत लिया है तो माफ़ कर देना। और यहाँ पर साटो इन दोनों से बोलती कि मैं लोगों की बातों को बड़ी आसानी से मान लेती हूँ। और ये चीज़ सुनकर ये दोनों बोलते कि अच्छा तो तुम्हें अभी पता चल रहा है। और ये चीज़ सुनकर साटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन होशिरो उसे बोलता है कि लोग तुम्हें कुछ भी करने के लिए बोले तुम कर देती हो। और उसे एग्जाम्पल की तरफ पे बोलता है कि चलो साटो अपनी पैंटी निकाल के दो मुझे। और ये चीज़ सुनकर ईको बोलती है कि किस चीज़ के लिए, तो होशिरो बोलता है कि मेरी मॉम के लिए। तो ईको उसके ऊपर बोलती है कि तुम्हारी मॉम क्या करेगी इस चीज़ का। तभी साटो बोलते कि हाँ चलो ठीक है तुम ले सकते हो। तभी ईको उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलते कि तुम्हें उसे मना करना चाहिए, और वो उसे बोलती कि चलो हम लोग एक मना करने का प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और मैं कुछ भी पूछूं तुम उस चीज़ के लिए मना कर देना। और कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही साटो बोल देती है कि हाँ चलो ठीक है। और ये चीज़ सुनकर ईको को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि साटो सुनो मेरी फैमिली थोड़ी कर्जे में, क्या तुम मेरे लिए थोड़े पैसे को जमा कर सकती हो। और ये चीज़ सुनकर साटो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी साटो बोलती है कि मैंने बोला था तुम्हें मना करना है। और इतने टाइम तक ये भाई थोड़ा अलग चीज़ सोच आता है, और तभी ये बोलता है कि साटो तुम्हारी ग्रैंड मदर की पैंटी मुझे मिल सकती है क्या। तभी ईको उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी भी इसी बारे में सोच रहे हो। और वो साटो को समझाती है कि तुम्हें हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलना है, तुम्हें कभी कभार मना भी करना पड़ता है। और इतने टाइम तक ये भाई का दिमाग अभी भी रुकता नहीं है, और ये डायरेक्टली साटो से पूछता है कि साटो तुम्हारी ग्रैंड मदर की पैंटी। और इतना सुनते ही ईको उसके ऊपर एक मुक्का जड़ देती है, और वो उसे समझा रही थी। तभी पीछे से दो लड़कियाँ आके साटो से बोलती है कि क्या वो उस बॉल को पास कर सकती है। तभी साटो उस बॉल को पास कर देती है, और ईको से बोलती है कि मैं कुछ तो बोल रही थी तुम्हें पता है। और इतना सुनकर साटो भी वहाँ से बाहर चली जाती है शायद से, और वो कॉरिडोर में घूम रही थी। तभी वो देखती है तादरू को, जो कि हाथ में पेपर्स का बंडल लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। और साटो जाती है, दरवाज़ा खोलती है और तादरू के हाथ से उस पेपर के बंडल को ले लेती है।
और बोलते कि इसे जहाँ पे रखना था मैं वहाँ पे रख दूँगी, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन पेपर्स का वजन बहुत ज़्यादा था और उसे बैलेंस भी नहीं हो रहा था। तभी कोमी और तादनु हाफ हाफ करके उस पेपर शीट को बांट लेते हैं और कोमी उसे लिख कर बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए रहेगी तो तुम मेरे पास आना। और ये चीज़ पढ़कर साटो को थोड़ा अच्छा फील होता है अंदर से। और पेपर्स को उस जगह पर रखने के बाद साटो उस बात को सोच लेती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए रहेगी तो तुम मुझे बताना। तभी साटो उस बात को बताती है जो कि वो हर सुबह आकर पूरे क्लासरूम को साफ़ कर देती है सारे लोगों के बैठने के लिए। क्या वो सारे लोग इस काम के लिए उसकी मदद कर सकते हैं? और इतना बोलकर साटो थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं लोगों की मदद करती हूँ और मैं दूसरों लोगों से मदद मांग रही हूँ। तभी कोमी और तादनु उसे एकदम अच्छे से समझाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और यहाँ पे ये तीनों भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि ये तीनों कोमी, साटो और तादनु आके पूरे क्लासरूम की सफाई कर रहे थे और नाजमी तो अपने घर पे मजे से सो रही रहती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोमी बड़े ध्यान से काटो को देख रही रहती है। और काटो को ये चीज़ पता लगने के बाद वो पूछती है कोमी से कि क्या वो जानना चाहती है कि वो कौन सी बुक पढ़ रही है, और वो उसे बताती कि वो शोगी की बुक पढ़ रही है। और ये चीज़ सुनने के बाद कोमी को थोड़ा इंटरेस्ट आता है और काटो कोमी को इतना इंटरेस्ट में देखकर तभी बुलाती है तादनु को और वो उन दोनों को एक पैटर्न देती है जो कि चेकमेट का पैटर्न रहता है। और यहाँ पर तो कोमी और तादनु के बीच में बहस होने लग जाता है कि नहीं ये वाला मूव राइट है, वो वाला मूव राइट है। और वो उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा बढ़ते जा रहा था तभी वहाँ पर क्लासरूम की बेल बजती है और ये दोनों जाके अपने सीट पर बैठते हैं। और फिर थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और स्कूल ख़त्म होने के बाद नाजमी आती है उन दोनों के पास और उन दोनों से पूछती कि क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दोनों में से कोई भी उसे रीज़न नहीं बताता। तभी नाजमी उन दोनों को एक ऐसी चीज़ बोलती है कि जिसे कि सुनकर दोनों थोड़ा शर्मा जाते हैं। और स्कूल ख़त्म होने के बाद वो दोनों जाते वापस से काटो के पास उसी पैटर्न को लेकर और आंसर को देखते हैं। और आंसर पता लगने के बाद हमें पता चलता है कि कोमी का मूव राइट रहता है और यहाँ पर कोमी का रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और ये चीज़ पता लगने के बाद तादनु को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और वो मान लेता है कि हाँ कोमी का मूव राइट था। और बाद में साटो कोमी और तादनु को अपने उन्हीं दोनों फ्रेंड से मिलाती है जिनका की नाम रहता है इको और होशिरो। और होशिरो कोमी को देख कर बोलता है कोमी तुम्हारी ग्रैंड मदर की पैंटी। और इतना सुनते ही इको उसके ऊपर डायरेक्ट जंप कर देती है और अपने केवनी से उसके मुँह पर एक जड़ देती है जिसे कि देखकर सारे लोग शॉक होते हैं। और यहाँ पे कोमी के फ्रेंड लिस्ट में दो और न्यू लोगों का नाम जुड़ता है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।